महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ दगाबाजी कर उद्धव ठाकरे ने तीन पार्टियों की जुगाड़ वाली सरकार क्या बनाई, खुद को देश के सबसे बड़े नेता मानने लगे। उद्धव तो उद्धव, शिवसेना का मामूली राज्यसभा सांसद संजय राउत पूरी दुनिया के सबसे बड़े सियासी पंडित बनकर बैठ गए और जो भी फितूर मन में आया लिख मारा, अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली। अब संजय राउत ने फरमाया कि भारत भी रूस की तरह कई टुकड़ों में बंट जाएगा। संजय राउत के इस मूर्खतापूर्ण बयान के बाद बीजेपी ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों को घेरा और कहा कि वे देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं। संजय राउत ने सामना में अपने कॉलम में लिखा कि हमारे प्रधानमंत्री राज्य सरकारों को अस्थिर करने में दिलचस्पी ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में भारत रूस की तरह टूट जाएगा। भाजपा ने राउत के इस लेख पर कड़ी आपत्ति जताई और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को घेरा। भाजपा ने कहा कि शिवसेना ने देश के शहीदों का अपमान किया है। राउत ने लेख में लिखा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास चुनाव जीतने के लिए सरकारें गिराने बनाने के लिए पैसा है। यदि हमारे प्रधानमंत्री को इस स्थिति में रात में अच्छी नींद आ रही है तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। राउत ने कहा कि यदि हमारे प्रधानमंत्री राज्य सरकारों को अस्थिर करने में विशेष रुचि ले रहे हैं तो क्या होगा। राजनीतिक अहंकार के लिए मुंबई की मेट्रो को अवरुद्ध कर दिया गया। अगर केंद्र सरकार को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो जैसे रूस के राज्य टूटे वैसे हमारे देश में होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मतलब ये कि अपनी तरफ से संजय राउत ने देश के टुकड़े टुकड़े होने की भविष्यवाणी कर दी। चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर शिवसेना सांसद ने कहा कि चीनी सैनिक 2020 में हिंदुस्तानी सीमा में घुसे, उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया। चीनी सैनिकों को हम पीछे नहीं धकेल सकते थे, लेकिन संकट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए राष्ट्रवाद की एक नई छड़ी का इस्तेमाल किया गया। चीनी वस्तुओं और चीनी निवेश के बहिष्कार का प्रचार किया गया। चीनी निवेश पर अंकुश लगाने के बजाय चीन की सेना को पीछे धकेला गया होता तो राष्ट्रवाद तीव्रता से चमकता दिखाई देता। राउत के लेख पर कड़ा एतराज जताते हुए भाजपा ने शिवसेना को सोनिया सेना बताते हुए कहा कि शिवसेना के नेता शहीदों का अपमान कर रहे हैं। शिवसेना नेता देश को तोड़ने की बात न करें, कान खोल कर सुन लें, ये देश एक है और एक ही रहेगा। हम माँ भारती को और देश को तोड़ने की बात कतई नहीं सह सकते। शिवसेना के इस बयान पर कांग्रेस और एनसीपी चुप क्यों हैं? संजय राउत ने अपने कॉलम में कहा कि बीते साल ने महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट और निराशा का बोझ आने वाले साल पर डाल दिया। प्रधानमंत्री देश का होता है, देश एक महासंघ के रूप में खड़ा है। यहाँ तक कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वे राज्य भी राष्ट्रहित की बातें करते हैं। ये भावना मारी जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस को तोड़ दिया और सरकार बना ली। बिहार में युवा तेजस्वी यादव ने चुनौती पेश की। कश्मीर घाटी में अस्थिरता बरकरार है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की है। पंजाब के किसानों पर जोर जबरदस्ती का प्रयोग हुआ। केंद्र सरकार कंगना रनौत और पत्रकार अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए जमीन पर उतर गई। केंद्र सरकार की क्षमता और विश्वसनीयता पर सवालिया निशान पैदा करने वाले वर्ष 2020 की तरफ देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में अपना कर्तव्य भूल गया। भारतीय सामाजिक जीवन की त्रासद ये है कि देश का भविष्य उज्जवल करने या उसे डुबोना दो चार लोगों के हाथ में है। ये त्रासदी वर्तमान में चल रही है। कोरोना और लॉकडाउन के बावजूद सभी स्तर पर भ्रष्टाचार का वायरस कायम है। अंबानी और अडानी की संपत्ति बीतते वर्ष में भी बढ़ती गई, लेकिन जनता बड़ी संख्या में नौकरियां खो रही है। तो नए साल का आगमन कर्मचारियों को क्या देगा? रात्रि कर्फ्यू के चलते पार्टियां, होटल्स और नाइट क्लब्स में नहीं होंगी, बस इतना ही।